ऊपर ला गया है डुमरिया की चाहने वालों के लिए ये शोरगुल डॉक्टर रामदयाल मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में। और कप्पाल का गोल आता हुआ मैच की शुरुआती क्षण में ही लगातार अटैक पे, और ये इस बार रोक नहीं पाए मनीष गोल पोस्ट पे। फिलहाल इस एक अच्छा क्लियरेंस के बाद यहां पे थोड़ी सी मुश्किलें बनती हुई। बिंदार ऑलरेडी एक गोल कर चुके हैं, क्या दूसरा गोल देखने को मिलेगा? और ये देखिए दूसरा गोल आता हुआ, दोनों ने मिल के शिकार किया है। एक गोल के बाद अब दूसरा गोल, शानदार पास और कमाल का फिनिश। और इसी के साथ बीपीएसएस धुमलिया की टीम इस मैच में सेमीफाइनल के बड़े मैच में गोल के अंतर को 2:30 बजे से खेला जाएगा। तो आप सभी दर्शक भाई आप अपने जगह को सुनिश्चित जरूर करें। कमेटी की ओर से मैन ऑफ द मैच के खिलाड़ी जो भी बनते हैं उन्हें 1,000 रुपए का कैश अवार्ड, लिटिल विंग्स स्कूल की ओर से ट्रॉफी, साथ ही साथ लाला फैब की ओर से गिफ्ट हैम्पर। बेताल आप इधर आएंगे। हमारे साथ है आज के सेकंड मैच के हीरो बेताल, इनका नाम है और निश्चित रूप से इन्होंने क्या शानदार गोल पहले ही, तो पहले गोल के बाद आप दबाव बनाने में कामयाब हुए, कितनी तैयारी थी इस गोल के लिए? पहला बात तो यहाँ फर्स्ट टाइम खेला और यहाँ खेल के बहुत अच्छा लगा, ये इतना ऑडियंस और सपोर्टर भी था उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू जितना ऑडियंस को। और जो गोल तो जरूरी था क्योंकि गोल से ही टीम विन होता है, इसके लिए गोल हम लोग को इम्पोर्टेंट ही था जीतने के लिए। कल के मैच में मैकॉन होगी आपके विरोधी टीम, मैकॉन के सामने किस प्रकार की रणनीति होगी क्योंकि मैकॉन की टीम भी बहुत ही मजबूत है, फाइनल का मैच है, कितना बड़ा मैच है, कितना बड़ा दिन होगा आपके लिए? टीम मैकॉन तो बहुत ही अच्छा है, रांची का जाने माने टीम है, वही हिसाब से तैयारी करके आएंगे, देखते हैं मैच तो बहुत टफ होगा, जीतने की फुल कोशिश करेंगे। कल आपका स्कोर देखने को मिलेगा यहाँ पे दर्शकों को? देखते हैं जो मिलेगा वो मारेंगे जरूर। जी हाँ, मौका मिलेगा तो छोड़ेंगे नहीं। चलिए ऑल द बेस्ट कल के लिए। बेताल ये मैन ऑफ द मैच और पहला गोल इन्हीं के द्वारा और दूसरे गोल में इनकी 50% की भागीदारी,